नमस्कार, किचन एटीएम में आज की रेसिपी है कचौड़ी। यह कचौड़ी हमने मूंग दाल से बनाई है। आज मैं आपसे वो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी कचौड़ी मार्केट जैसी बनेगी। कचौड़ी खस्ता होगी और अंदर के मसाले में वही बाजार वाला टेस्ट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है उसकी फिलिंग को तैयार करना, और उसके लिए 200 ग्राम मूंग की दाल को अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे भीगने के लिए रख दें। कचौड़ी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख लेते हैं। उसके लिए 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी मैदा, नमक स्वादानुसार, अजवाइन 1/4 चम्मच, गर्म किया हुआ घी 5 से 6 चम्मच घी डालकर मिक्स करें और साथ में 1/4 चम्मच मीठा सोडा भी मिला लें। गर्म घी का मोवन देने से कचौड़ी खस्ता बनती है। आटे का गोला बनाने से यह बंद जा रहा है, इसका मतलब आटे में मोवन बिल्कुल ठीक पड़ा है। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए गूंथ लें। ध्यान रखें, आटे को हमें यहाँ कड़ा गूंथना है, जैसा हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सख्त। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है, अब आटे का डो तैयार है। आटे को 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे और इस बीच हम कचौड़ी के अंदर भरे जाने वाले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इस मसाले के लिए 1 कटोरी मूंग दाल को अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे भीगने के लिए रख दिया था। दाल अच्छी तरह भीग गई है। दाल में से सारा पानी निकालकर पीसने के लिए मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ में 1 हरी मिर्च काटकर डाल देंगे। अब दाल को दरदरा पीसना है, बस 1 या 2 बार मिक्सी को घुमा दें। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार करना है। 1 कढ़ाई गर्म कर 4 से 5 चम्मच तेल लें। जब तेल गर्म हो जाए तब जीरा 1/2 चम्मच, सौंफ 1/2 चम्मच, 1 सूखी लाल मिर्च को खुशबू आने तक भून लेंगे और इसमें 1/3 चम्मच हींग, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्च 1/2 चम्मच, सभी को मिक्स कर 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ मिलाकर थोड़ी देर चलाएं। मसालों को भूनते समय गैस का फ्लेम लो रखें। जब सभी मसाले अच्छी तरह भून जाएं तब 2 चम्मच बेसन मिलाएं। बेसन मिलाने से कचौड़ी का मसाला कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। बेसन को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने जो मूंग दाल का पेस्ट पीस कर तैयार कर रखा था उसे मिलाकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनें। अब इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे, जैसे चाट मसाला 1/2 चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, साथ ही नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार मिलाकर सभी को अच्छे से मिक्स करें। मसाले अच्छी तरह भून गए हैं, अब यह फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पर गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आटा भी हमारा तैयार है। अब आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर बेलते समय इस प्रकार बेलें कि किनारे पतले हों और बीच का भाग थोड़ा मोटा हो। पूरी में 1 से 2 चम्मच मसाला डालें और किनारों को मोड़ते हुए इस प्रकार बंद करें। बचा हुआ एक्स्ट्रा आटा निकाल दें। अब इसे हल्के हाथों से बेल लें। बेलते समय बंद करने वाला पार्ट नीचे रखें, इससे कचौड़ी फटती नहीं है और फिलिंग बाहर नहीं आ पाता। एक बार में उतनी ही कचौड़ी बेलें जितना तलना हो। कचौड़ियों को तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर रखें। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के गर्म तेल में कचौड़ियाँ डालें और धीमी आँच में तलें। आँच तेज होने से कचौड़ियाँ पूरी की तरह फूल जाएंगी और खस्ता नहीं बनेगी। कचौड़ी तलते समय थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कचौड़ी को पकने में थोड़ा समय लगता है। कचौड़ी जब एक साइड से तल जाए तो इन्हें धीरे से पलट लें। जब कचौड़ी दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कचौड़ियों को एक छारे या स्ट्रेनर में थोड़ी देर रखकर बाहर निकाल लें। इसी तरह बाकी की सारी कचौड़ी बनाकर तल लें और सर्व करें। कचौड़ियों को आप चटनी या आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।